हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और मेरे साथ अतुल हैं, जिन्होंने बाइक एक्सीडेंट में अपना सेंट्रल इंसाइजर्स गवा दिए थे। तो आज हमने बोन ऑगमेंटेशन के साथ इनके दांत लगा दिए हैं 4 महीने के बाद। तो अतुल, कैसा लग रहा है अपने दांत वापस मिलने के बाद और पूरा सफर कैसा रहा? सर, बहुत सेटिस्फाइंग जर्नी थी। एट फर्स्ट आई वॉज वेरी हेजिटेटेड, बट यू ट्रीट मी एज अ ब्रदर एंड आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल विद टॉकिंग टू यू एंड आई कैन कॉल यू एट एनी टाइम एंड यू वुड रिस्पॉन्ड। दैट मेक्स मी सो कंफर्टेबल दैट टुडे आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द होल जर्नी। तो आपके जब मैं आपकी फोटोग्राफ्स ले रहा था तो आपने मुझे बोला था कि आप स्माइल करना भूल गए हैं 2-3 महीनों में, तो वो मुझे बहुत इमोशनल लगा। इमोशनल एक सेटबैक लगता है जब दांत चले जाते हैं एक यंग एज में? यस सर, बहुत। एक आपका फर्स्ट लुक होता है कि आपका फेस पे आपका सबसे हाइलाइटेड थिंग है टीथ, तो वो चले जाने के बाद तो फिर तो पता नहीं, बहुत बहुत बुरा फील होता है उसके बाद। तो अब अच्छा लग रहा है? अब सर सेटिस्फेक्शन है पूरा, बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन। बहुत अच्छा लगा और आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं दांत। मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे भी नहीं लग रहा और किसी और को भी नहीं लग रहा है कि आपके कोई आर्टिफिशियल दांत है। तो आशा करता हूँ कि अतुल जैसे और भी पेशेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको डेंटल इम्प्लांट के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ई मेल drajasasdeva@gmail.com और यू कैन लॉग ऑन टू माई वेबसाइट dentalimplant.co.in. It has got all the details regarding dental implants. तो किसकी वेट कर रहे हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर आप अतुल जैसे और भी पेशेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो जानना चाहते हैं डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सो अतुल, आशा करता हूँ कि आपका आप मेरे पास आते रहेंगे हर साल मेंटेनेंस के लिए। और एक और चीज बोलूंगा कि बाइक अब जो है 130 से कम चलाएंगे तो आपके और दांत भी बचे रहेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक्स।